Consider the figure and mark the correct option. Activation energy of forward reaction is E1 plus E2 and product is less stable than reactant. तो पहली स्टेटमेंट है, लेकिन अगर मैं ग्राफ को यहाँ देखूँ तो भाई प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है. तो अगर प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है, प्रोडक्ट्स एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी बेटा जी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी हाई है, दैट मीन्स इट इज़ लेस स्टेबल. द वन हैविंग द हायर एनर्जी इज़ लेस स्टेबल. ठीक है. सो पहले ये बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा. इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल. हेयर द एनर्जी गैप बिटवीन द रिएक्टेंट, हेयर द एनर्जी गैप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज द सम ऑफ E1 प्लस E2 बेसिकली. देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी अगर मैं बात करूँ फॉरवर्ड रिएक्शन की, इट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2. यस. एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट एज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट. सो ऑप्शन वन हमारा बिल्कुल सही है. रेस्ट अदर ऑप्शन में अगर ये कहा गया प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल तो ये गलत है. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन नहीं, सेम नहीं हो सकती. एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 एंड द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट, ये भी गलत है. सो ओनली ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन.